अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आ चुके हैं हम आज की इस न्यू वीडियो के साथ। तो भाई गाड़ी यहाँ पर फोर्स ट्रेवलर 17 सीटर, तो भाई आज इसका हेड गैस्केट और हेड रिपेयर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो भाई आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है, टाइम इंजन टाइमिंग से वॉश पम्प टाइमिंग जितनी भी है सारी जो भी है अपने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमने टैपिट कवर खोल लिया, अब हेड को खोला जा रहा है। तो हेड को खोल लेते हैं और उसके बाद में जो है हेड को निकाला जाएगा बाहर और बाकी जो भी सब काम होगा आपको सबको डिटेल से बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय करिए और तब तक मैं काम करता हूँ। और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो भाई हेड हमारा पूरा खुल चुका है, अब हेड को बाहर निकाला जाएगा, उसकी वाल गाइड शीट सब कुछ निकाली जाएगी और इसे लेथ पर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और तब तक हम काम करते हैं। और भाई आगे वीडियो में आप लोगों को हेड असेंबली भी पूरा दिखाया जाएगा, हेड को किस तरह से असेंबल किया जाता है सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। तो जब तक हेड को छुट्टा किया जा रहा है, वाल गाइड शीट जो है हमारी बाहर निकाली जा रही है, तब तक आप वीडियो को देखिए इंजॉय करिए और उसके बाद में जो है इसकी हेड की असेंबली आपको दिखाई जाएगी। तो भाई फाइनली हेड हमारा जो है वो लेथ पर जाकर आ चुका है, अब हेड की असेंबली को आप लोग इंजॉय करिए समझिए देखिए और तब तक हम जो है हेड को असेंबल करते हैं। तो भाई हेड जो है वो हमारा पूरा असेंबल हो चुका है। तो चलिए अब हेड को फिटिंग करने की बारी आती है और ब्लॉक के ऊपर जो पॉलिश पेपर मार के इसे लेवल कर लेते हैं, जितना भी कचरा वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो हेड फिट किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हेड रख दिया गया है और उसके बाद जो है कैमशाफ्ट वगैरह लगाया जाएगा, टैपिट सेटिंग भी आपको बताई जाएगी, टैपिट सेटिंग भी होगी और सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। तो भाई ये देखिए कैमशाफ्ट रख चुके हैं और कैमशाफ्ट के ऊपर ऑयलिंग करके कैमशाफ्ट को भी अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। तो भाई आप टाइमिंग देख सकते हो, ये टाइमिंग देख सकते हो आप, इसका जो पॉइंट है बिल्कुल पॉइंट पर इसे लेना है और उसने पर आपने चैन सेटिंग करके लगा देना है और उसके बाद में जो है बॉस पंप की भी टाइमिंग आपको दिखाई जाएंगी। और ये देखिए ये जो है हमारा 4 नंबर इंटेक और एग्जॉस्ट पर ध्यान दीजिए और ये TDC मार्किंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से फ्राईव्हील की जो मार्किंग है वो बिल्कुल TDC पर होनी चाहिए। TDC का जो एक TDC के बाजू में एक पॉइंट आता है, सीधी स्ट्रेट लकीर आती है छोटी सी, उस पर हमें रखना है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिलाना है। और उसके बाद में जो है बॉस पंप की टाइमिंग भी आप देख सकते हो, देखिए बॉस पंप की टाइमिंग ये जो है ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल फ्रंट पे एक दूसरे के आमने सामने रखना है बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए बॉस पंप को भी फिट कर लेते हैं। तो बॉस पंप ये हमारा अंदर जा चुका है, अब इसके बोल्ट वगैरह लगा के इसे टाइट किया जाएगा। पंप को डालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे हल्का सा जो है हमें
एडवांस की तरफ दबाना है हल्का सा, और उसके बाद में जो है उसे फिट करना है। याद रहे पंप के ऊपर थोड़ा सा लोड होना चाहिए और उसके बाद में जो है टाइट करना है। तो चलिए हेड वगैरह सब कुछ टाइट कर लेते हैं और उसके बाद में टैपिट सेटिंग की जाएंगी। तो भाई इसका जो गेज है उस गेज का मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 10 नंबर इंटेक के लिए और 30 नंबर जो है वह एग्जॉस्ट के लिए ले लेना है, 10 नंबर और 30 नंबर। और इसका फायरिंग ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो टैपिट कवर पर लिखा होता है 1-3-4-2, यही इसका फायरिंग ऑर्डर है और इसी से इसका जो है वो टैपिट सेटिंग भी होगा। तो भाई टैपिट सेटिंग जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब सारे टैपिट सेटिंग को चेक किया जा रहा है एक बार फाइनल टाइम, और उसके बाद में जो है टैपिट कवर वगैरह लगाकर इसे जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो फाइनली भाई सारे टैपिट सेटिंग जो है वो चेक हो चुके हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब टैपिट कवर को लगा के एयर निकाल के और जो है इंजन को स्टार्ट किया जाएगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो चलिए देखिए और इंजॉय कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना था और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना ताकि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।